हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रेहान कादरी और आप देख रहे हैं रेहान के कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों के सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। ये टिप्स आपको सुरक्षित महसूस करने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने 3 सेगमेंट बनाए हैं जो कि फायदेमंद साबित होंगे। तो पहले सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा। सबसे पहले हम व्यक्तिगत सुरक्षा पर ध्यान देंगे और इस वीडियो में मैंने 9 पॉइंट बताए हैं, 9 टिप्स बताई हैं जो कि लाभदायक होंगे आपके लिए। तो टिप नंबर 1 है सावधानी पूर्वक ड्रेसिंग। हमेशा अपने कपड़ों का चयन सोच समझ कर करें। आप चाहे कुछ भी पहने, आत्मविश्वास से पहने। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं तो वहाँ के माहौल के अनुसार कपड़े पहने। टिप नंबर 2 सेल्फ डिफेंस टेक्निक। एक सेल्फ डिफेंस क्लास जरूर ज्वाइन करें। कुछ बेसिक मूव्स और टेक्निक सीखें जो इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकें। टिप नंबर 3 पर्सनल अलार्म और पेपर स्प्रे। अपने साथ हमेशा पर्सनल अलार्म और पेपर स्प्रे रखें। इनका उपयोग कैसे करें ये भी सीखें। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट 2 की। अब बात करते हैं पब्लिक स्पेस में सुरक्षा की। टिप नंबर 4 सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपने बैग और सामान को सुरक्षित रखें। टिप नंबर 5 ग्रुप में यात्रा करें। कोशिश करें कि हमेशा ग्रुप में यात्रा करें, खासकर रात के समय। अगर अकेले जा रहे हैं तो अपनी लोकेशन किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शेयर करें। टिप नंबर 6 ट्रांसपोर्ट सुरक्षा। जब भी किसी टैक्सी या कैब में बैठें तो उसकी डिटेल्स किसी को जरूर भेजें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते समय भीड़ भाड़ वाले वाहनों से बचें। सेगमेंट नंबर 3 ऑनलाइन सुरक्षा। अब ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। टिप नंबर 7 सोशल मीडिया पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने से बचें। प्राइवेसी सेटिंग्स को सही से सेट करें और अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। टिप नंबर 8 संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें। किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल को न खोलें। अपने पर्सनल डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। टिप नंबर 9 और लास्ट पॉइंट है साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट। अगर आपको साइबर बुलिंग या हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है तो तुरंत संबंधित अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। याद रखें, सुरक्षा आपका अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।